हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो माय नेम इज़ गर्वित खंडेलवाल। आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर मैकेनिकल इन श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। आज हम अगेन E202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए कि यूनिट नंबर 3 हाइड्रोलिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग टॉपिक नंबर 3.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड को डिस्कस करेंगे। जो कंटेंट है आज के जो लेक्चर का वो है जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग डेंसिटी देखेंगे क्या होता है, जिसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। सो वन बाय वन डेफिनेशन फार्मूला यूनिट सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट डेंसिटी और मास डेंसिटी, इसको हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक मास, और मास डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो जहाँ डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसको हम लोग रो से डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलेंगे रो इक्वल्स टू एम बाई वी। इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, वॉल्यूम के ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस यूजुअली डिनोटेड एज रो। जो सिंबल है इसको हम रो बोलते हैं। तो जनरली हम लोग बेसिक जो फ्लूइड्स की बात करें तो हम लोग वाटर की जो डेंसिटी है उसको लेते हैं 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। मर्क्यूरी की लेंगे 13,546 kg पर क्यूबिक मीटर, जिसको हम 13.6 टाइम्स ऑफ वाटर भी बोलते हैं। एयर की हम लेते हैं 1.23 kg पर मीटर क्यूब, और एक पैराफिन होता है जिसको हम बोलते हैं 800 kg पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हम लोग स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं, जिसको हम लोग स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इज़ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोगों ने गामा से शो किया है, विच इज़ वेट पर यूनिट वॉल्यूम और डब्ल्यू बाई वी। वेट की ऐसा यूनिट हम लोग न्यूटन लेते हैं, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट हम लोग क्यूबिक मीटर लेते हैं, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग वेट जो है डब्ल्यू उसको हम लोग एम जी भी लिखते हैं। तो गामा इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब मास बाई वॉल्यूम को हम लोगों ने लवी लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस किया था, वो है इसको हम डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी या मास डेंसिटी बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने रो से डिनोट किया था। तो गामा इक्वल्स टू रो इन टू जी। सो स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक डेंसिटी में एक रिलेशन डेवलप हो गया, विच इज स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, मास हो गया केजी। सो द यूनिट ओवरऑल यूनिट क्या होगी, क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय केजी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, विच इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, एक रेशो होता है दो डेंसिटी का। अब जब दो डेंसिटी का रेशो होगा तो स्पेसिफिक सीधी सी बात है कि कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम प्रॉपर्टी है, बट दो अलग अलग फ्लूइड की है। एक फ्लूइड हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं और दूसरा जो इस भी फ्लूइड का हम लोग बात कर रहे होते हैं वो होता है। नेक्स्ट राइट इज़ दी डायमेंशनलेस क्वान्टिटी एंड हैज़ नो यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। सो इस टाइप से हम लोगों ने चार जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड है उसको डिस्कस किया। आई होप
आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।